राजधानी पटना में एटीएस की टीम अचानक होटल में घुसी तो पूरे होटल में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं आपके साथ अंजलि। बिहार एटीएस की टीम ने मोर्चा संभाला और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे होटल को घेर लिया। देखने से बिल्कुल लग रहा था कि किसी आतंकी की होटल में घुसने की सूचना पर एटीएस की यह एक बड़ी कार्रवाई है, पर राहत की सांस लोगों ने तब ली जब उन्हें मालूम हुआ कि होटल में महज एटीएस की टीम के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देर रात बिहार एटीएस की टीम पटना के एक डिवीजन रोड स्थित लेमन ट्री होटल पहुंचा और इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल छा गया। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार एटीएस के सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने बताया कि होटल में आज मॉक ड्रिल हो रहा है, आतंकी की सूचना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में मॉक ड्रिल का कार्य प्रभावित हुआ था और पूर्व में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल किया जा चुका है। किया गया है, क्या है ये मॉक ड्रिल, मतलब क्या है ये कार्यक्रम? आतंकी गतिविधि के कारण जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हम लोग का रूटीन वर्क है और आए दिन हम लोग मॉक ड्रिल करते ही रहते हैं। इससे पहले भी हम लोग मॉक ड्रिल कर चुके हैं। आज हम लोग ने जो होटल आइसोलेशन जो है आपका ये लेमन ट्री होटल, इसका हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल किया। लोगों का क्या था, मतलब अचानक से इस तरह का प्रमोशन? ये हम लोग का ये रूटीन वर्क है और इसके अलावा भी बहुत से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका भी आगे भी किया जाए। इसका पूरा नेट रूपांतरण यहाँ किया गया था। तो क्या लगता है कि जो दरभंगा ब्लास्ट के बाद जो है ये घटनाएं जो हुई है उसके लगता है कि उसके बाद से इस तरीके का जो पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल वगैरह काफ़ी किया था। कोरोना काल में आपने होल्ड किया था इसको, उसके कारण कुछ प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बाद में हम लोग का रूटीन वर्क चालू हुआ। क्या नाम है सर? SI निरंजन। क्या है? SI निरंजन। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे खबरों को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।